मैं राजीव कुमार सिंह GNX देखने वाले तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ दरभंगा जिला के मब्बी गांव के अंदर, और जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, श्री सियाराम पासवान जी का लगा हुआ है, जो कि पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, और उनको जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की ओर से दरभंगा अर्थात 83 विधानसभा संख्या से उनको टिकट दिया गया है। तो आइए हम एक खास मुलाकात आपको करवाते हैं उनसे, और जानते हैं कि किन एजेंडा पे इस बार का चुनाव लड़ेंगे और वो लोगों के बीच में जाएंगे। आइए। आपको बताया था, अभी हम सियाराम पासवान जी के बगल में बैठे हैं। सबसे पहले सर, आपको तो बहुत बहुत कि आपको जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की तरफ से टिकट दिया गया है, तो सर जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि क्या है, किस प्रकार आपको टिकट दिया गया है, कहां से टिकट दिया गया है, और क्या होगा चुनाव का एजेंडा आपके। सबसे पहले दरभंगा सभी विधानसभा के जनता को, वोटर को, मतदाता को, मैं दरभंगा शहरी विधानसभा को पुनः, मैं पहले पूर्व में दरभंगा सदर प्रखंड में 10 वर्ष प्रमुख रह चुका हूँ, और उसी नीति को मैं दरभंगा शहरी विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के प्रत्याशी कल 12 तारीख को सिंबल हमको मिला है दरभंगा शहरी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। तो शहरी विधानसभा के वोटर मतदाता को मैं अपने ओर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और जितने भी हमारे जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारी हैं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको नमन करता हूँ। क्या होगा सर, एजेंडा क्या होगा इस बार का विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में क्या एजेंडा होगा, किन एजेंडा को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे, या फिर जो पहले की सरकार है वो ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिस काम को आप अपने तरीके से करना चाहेंगे। हम दरभंगा सभी विधानसभा में जो 15 साल से शहर में विधायक रहे हैं और मेयर रहे हैं, उनको अधूरा काम को हम पूरा करने आए हैं, मेरा यही लक्ष्य है। जो भी पंचायत हो या वार्ड हो जो 15 साल से नहीं कर पाया है, उसको करने के लिए हम आए हैं। सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले अगर दरभंगा विधानसभा क्षेत्र को आप कैसे देख रहे हैं, शहरी को, सबसे पहले आपको विकास में क्या लगता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिस पे विकास के लिए सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। दरभंगा शहरी विधानसभा में हम देख रहे हैं सबसे बड़ी चीज है, जो एक भी नाला सुदृढ़ नहीं है, एक भी रोड सुदृढ़ नहीं है। आपको शहर को कई जगह आज हम भ्रमण किए, 4 वार्ड में जाकर के देखिए, फट उतना पानी लगा हुआ है, कादो लगा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, नाला जाम है। दरभंगा शहर में ट्रॉफी का इतना समस्या है कि आप कैदराबाद से लहरिया सराय जाने में कम से कम 2 घंटा लगता है। तो हम दरभंगा शहरी विधानसभा में यह चीज़ को पहले हम देखेंगे कि हमारे शहर में जो कठिनाई है जनता को, उसको हम दूर करेंगे। पुल हो, नाला हो, रोड हो, ओवर ब्रिज हो और ट्रॉफी हो, सबसे पहले जनता को ये सुविधा मिलनी चाहिए, और यह चीज से आजाद करने के लिए मैं दरभंगा शहरी विधानसभा में प्रत्याशी बन के आए हैं, और समाज को मैं सेवा पुनः 10 साल तक मैं सेवा किया हूँ दरभंगा सदर प्रखंड में, 23 पंचायत के हम प्रमुख रह चुके हैं, और मेरे क्रियाकलाप से जनता बहुत खुश है,
और आशा भी है आगे भी जो भी काम होगा मैं अपने दिल से तहे दिल से जनता के बीच उतरूंगा, जनता के साथ कदम में कदम मिला करके, भाईचारा मिला करके सब हम रखेंगे और जो भी समस्या आएगा उस समस्या के लिए सियाराम पासवान सबसे पहले आगे आकर के जनता के बीच में खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसा कि सर अभी कोरोना काल चल रहा है तो बहुत सारे नियम्स है, रूल्स है, आप खुल के सभाएं नहीं कर सकते हैं, कहीं पे आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आप पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए आप मैदान में गए हैं, तो कैसे आप लोगों से संवाद करने का क्या जरिया है, आप लोगों के बीच कैसे पहुंचेंगे, लोगों को अपने तरफ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी, पिछले दिन बाढ़ में हम लोगों ने उनके साथ भ्रमण किया, जगह जगह जाके वो बहुत सारे राहत कार्य का काम किए हैं, तो आपको क्या लग रहा है उनका छवि या आपका पार्टी का छवि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार का है, वो आपके लिए कितना काम है? सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं, वो जन जन के नेता हैं, गरीबों मसीहा के नेता हैं, कोसी के लाल हैं और मिथिलांचल में उनका जो है जितने भी यूथ और जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारीगण हैं, पप्पू यादव का एक अपना लक्ष्य है कि बिहार में बदलाव हो और पप्पू यादव 497 गांव के भ्रमण किए कोरोना में, 110 प्रखंड को भ्रमण किए, लगभग जो है 40 लाख जनता के बीच में गए हैं और 40 लाख जनता के बीच में गले मिले हैं और हाथ मिलाए हैं, बाघ में जा कर के ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल से भ्रमण किए हैं, जनता के बीच जा कर के कोई भूखे मर रहे हैं उसको जो है दो रोटी देने का काम किए हैं, और हमारे जो सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो लक्ष्य है और उनका जो बिहार में आंधी है पप्पू यादव जी के, और सभा की रह गई भीड़ कैसे होगी, वो मेरा अपना लक्ष्य है कि भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई ठेकेदार वोट का मालिक नहीं है, मालिक वोटर हैं, तो हम एक वार्ड से लेकर के 48 वार्ड तक मेरा अपना लक्ष्य है एक एक वोटर से घरे घरे जा कर के मैं अपना अर्जी रखूंगा और उनसे मैं कहूंगा कि एक वोट मुझे चाहिए। पार्टी को दरभंगा में देखा जाए तो कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं, आप कितना आपके अनुमान से क्या लग रहा है कितना इस बार आती है? अभी सर कहा नहीं जा सकता है, फिर भी गौरा बराम में हैं हमारे किशंबर यादव जी, अच्छे नेता हैं और उनका अच्छा सहयोग वहाँ मिल रहा है, हमारे जैसे कि हायाघाट में हैं मुन्ना खान जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी हायाघाट में बहुत जोर शोर से कार्यक्रम हो रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, और बगल में बीनीपुर हैं राकेश बाबा, उनका भी बहुत अच्छा जो है माने उनके विधानसभा में जो है कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमको रहगी दरभंगा शहर में, तो आपसे हम पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं कि सियाराम पासवान के क्या छवि है, जनता क्या उनके उतर रहे हैं, क्या उनको सहयोग कर रहे हैं, तो आप तो खुद दरभंगा शहरी विधानसभा में देख रहे हैं, तो ये चार जगह चार गो विधानसभा में हमारा अपना जो माने जानते हैं कि यह सीट चारों निकल सकता है। तो ये थे हमारे साथ सियाराम पासवान जी जो कि भूतपूर्व जिला के प्रमुख भी हैं, 10 साल जनता के बीच सेवा किए हैं, सामाजिक कार्य में भी लगातार ये अग्रसर रहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का एजेंडा क्या है, कैसे किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं।